वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कई लोगों के मन में अभी भी सवाल बना हुआ है कि यहाँ पर बेपनाह प्यार का सच में ऑफेयर होने वाला है। कई सारे न्यूज चैनल्स और कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे प्रोवाइड कराए गए थे बहुत पहले, जो कि अभी भी यहाँ पर सवाल को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि आखिर में क्या सच में यहाँ पर ये सच है या फिर झूठ। तो सब कुछ हम आपको बताएंगे कि बेपनाह प्यार ऑफेयर होगा, अगर ऑफेयर होगा तो कब ऑफेयर होगा और इसके क्या सरकमस्टांसेस है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेपनाह प्यार के ऑफर होने वाले की खबर की। सबसे पहली खबर आई थी जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था तब, और यहां पर प्राइम टाइम पर बिग बॉस को 10 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन यहां पर बेपनाह प्यार का स्लॉट चेंज नहीं किया गया, उसकी जगह विश सीरियल को ऑफर कर दिया गया, जो कि हमने आपको बताया भी था। और कई सारी खबरें ऐसी आई थी कि बेपनाह प्यार ऑफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने सबसे पहले ही नकार दिया था कि यहां पर ऑफर नहीं होने वाला, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराई गई थी यहां पर बताया गया था कि फेब के फर्स्ट वीक तक इसका स्लॉट पूरी तरह से बुक है, तो यहां पर ऑफर होने की बात बिल्कुल नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ शो की टीआरपी भी इतनी बुरी नहीं है कि उसे ऑफर कर दिया जाए। और यहां पर आपको बता दें और भी कई सारे ट्विस्ट लाए जा रहे हैं शो के अंदर, जो कि आपको और भी इंटरेस्टिंग लगी रहेंगे। वहीं दूसरा पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं उसको लेकर काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन थी। नागिन सीजन 4 के स्टार्टिंग की बात आई तो उसमें पल्लवीपुरी भी थे, ये भी खबर आई। उसके बाद में यहां पर बताया गया कि अब बेपनाह प्यार ऑफर हो जाएगा क्योंकि वहां पर पल्लवीपुरी नजर नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें अगर नागिन सीजन 4 स्टार्ट हुआ और उसमें पल्लवीपुरी रहे तो उनका रोल कितना बड़ा है ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि एक एक्टर 2 से 3 शोज आराम से कर सकता है, जैसे कि अनीता नंदानी ने किया भी है और उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत भी की है, तो मेहनत थोड़ी सी तो लगेगी और यहाँ पर टाइम भी बचत होगा क्योंकि दोनों शोज की यानी बेपनाह प्यार और नागिन सीजन 4 की शूटिंग एक ही जगह यानी क्लिकमिक्सन में ही होने वाली है, तो आस पास में होने की वजह से आने जाने का खर्चा और आने जाने का यहाँ पर टेंशन खत्म होगी और एकदम से यहाँ पर शोज कर सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, बेपनाह प्यार अभी ऑफेयर नहीं होने वाला, उसको टाइम है ऑफेयर होने में। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।